कन्हैया जी ने कहा सुदामा भाभी ने भी भेजा कि जरूर होगा, कहा नहीं। आज किस मुद्दे को लेकर आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बने। कैसे बने, क्या रणनीति बनाई आपने, क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो तो आगे हमने दिया ही है, दो मुख्य हैं जो है राम जन्मभूमि मंदिर और ये अयोध्या भारत की राजधानी, ये दो मुख्य हैं। उसके बाद आगे 36 एजेंडे हैं हमारे जो है, संकल्प है, सब संकल्प। क्या उद्देश्य आज आपका कार्यक्रम आपने किया, जाकर क्या प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसके बाद? ओम ओम श्री हरि ओम। मैं यज्ञ कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि यज्ञ कर्म के द्वारा पर्यावरण की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, हमारे हिंदुस्तान के लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। दूसरी बात, सबके अंदर एकता और अखंडता आएगी। जब एक होंगे, अखंड होंगे, नेक होंगे, तभी राम मंदिर बनेगा। राम भगवान यज्ञ से ही पैदा हुए थे, इसलिए हम लोग यज्ञ कर्म करके भगवान का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं और अयोध्या को हिंदुस्तान की राजधानी बनाना चाहते हैं। और बोलिए कि आप चाहते हैं जी राम मंदिर बने? आप चाहते हैं? चाहते हैं? हम चाह रहे हैं, हम तन से, मन से, धन से चाह रहे हैं। और जब तक मैं रहूंगा, दधीची की हड्डी की तरह अपना हड्डी भी दान करूंगा। जय श्री राम। ऐसे बहुत से लोग पार्टी बना के राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई अब तक सफल नहीं हो पाए, क्या कारण है इसका? इसलिए सफल नहीं हुए कि उनका जो विल पावर है तगड़ा नहीं रहा और वो गद्दी पर बैठ करके राम को भूल गए, अपनी पार्टी की बात करने लगे। और उन्होंने और कुछ कहा, हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे। क्यों नहीं आई विल पावर? ये नहीं आई, प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या नहीं गए। अगर उनको जला से भी इच्छा होती तो अपने इस देव का आशीर्वाद लेते हैं, अगर मानते हो। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी बहुत सारे संगठन है, प्रेस क्लब में कई लोगों ने प्रेस वार्ता की कई बार कि हम राम मंदिर बनाए, लेकिन किसी के एजेंडे में नहीं रहा। आप बताइए किसके, किस पार्टी के एजेंडे में है बताइए? किसी पार्टी चला रही वही पूरा ना करने के लिए, पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए हमको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई सारे संगठन हैं जो राम मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई इस कार्य में सफल नहीं हो पा रहा, क्या कारण है इसका? हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वो तो सत्य है। दूसरा, इसलिए कि उनको हनुमान जी ने स्वप्न नहीं दिया, इनको हनुमान जी ने स्वप्न दिया है और हनुमान जी चाहते हैं कि राम मंदिर बने और मुझे भी हनुमान जी स्वप्न दिए कि हम लोग मिल करके काम करें। जय श्री राम, जय सीताराम। आज सीतापुर रोड स्थित पीली कोठी में सत्य शिखर पार्टी ने आज महायज्ञ किया है, प्रेस वार्ता की है और उनके अध्यक्ष ने बताया कि वो राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। राम मंदिर के लिए यहाँ पर वो इकट्ठा हुआ, राम मंदिर के निर्माण के लिए उनकी रणनीति बन चुकी है और वो तमाम इस तरह के आयोजन अलग अलग स्थानों पर करते रहेंगे, यही उनका उद्देश्य था। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।